मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज योर मैथ्स वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट इन योर मैथ्स क्लास। वी आर स्टार्टिंग आवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। सो स्टूडेंट्स, बी रेडी विद योर बुक। आप अपनी बुक में बच्चों खोल दीजिए, पेज नंबर 38। लेसन है आपका, चैप्टर नंबर है 4, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। ठीक है, ये हमारा न्यू चैप्टर है। इसमें पहले मैं पढ़ाने से पहले कुछ आपको इसमें कुछ समझाना चाहती हूँ, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप समझिए कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो मल्टीपल्स आर द प्रोडक्ट यू गेट व्हेन यू मल्टीप्लाई आ नंबर बाय 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। मल्टीप्लाई क्या होता है आपका, आप किसी भी नंबर को जब वो मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, उसके बाद जो प्रोडक्ट आता है, जो भी सम आता है, उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल्स। बिफोर वी बिगिन फाइंडिंग द मल्टीपल्स ऑफ लार्ज नंबर, लेट्स क्विकली रिव्यू द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीपल्स। आगे हम बढ़ें उससे पहले आप समझ लीजिए कि मल्टीपल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। फर्स्ट है, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इट सेल्फ, यानी कि हर नंबर का अपने आप में एक मल्टीपल होता है। नंबर 2, अ नंबर कैन हैव मैनी मल्टीपल्स, किसी भी एक नंबर के एक से ज़्यादा भी मल्टीपल्स हो सकते हैं। 0 इज़ अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, और 0 क्या है, हर नंबर का मल्टीपल होता है। एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1, और हर नंबर अपने आप क्या है, 1 उसका मल्टीपल होता है, मतलब हर नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। द मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर, जो मल्टीपल है वो आपके नंबर का या तो बड़ा हो सकता है उससे, या फिर ग्रेटर देन है उससे बड़ा हो सकता है। द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज अ नंबर इटसेल्फ, और मल्टीपल आपका कैसे हो सकता, वो खुद का नंबर होगा तभी वो उसका छोटा हो सकता है। उसके बाद देखिए कॉमन मल्टीपल्स क्या कहलाते हैं, नंबर दैट आर कॉमन इन मल्टीपल्स ऑफ 2 और मोर नंबर्स आर सेड टू बी अ कॉमन नंबर। वो कॉमन नंबर्स, आपके दो नंबर्स दिए, दो नंबर्स में जो उनका कॉमन है, एक से ज़्यादा 2 या 3 नंबर ऐसे हैं जो दोनों मल्टीपल्स, दोनों आपके फैक्टर्स के जो नंबर के सेम मल्टीपल्स हैं, वो आपके कॉमन नंबर कहलाते हैं। जैसे कि समझ लीजिए आप, देखा है फाइंड द कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 6, आपको 3 एंड 6 के कॉमन फैक्टर लिखने, कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं, तो आप मल्टीपल्स ऑफ 3 लिखेंगे। 3 का टेबल जैसे पढ़ते हैं तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, आप सो ऑन करते चले गए। फिर आपने 6 का लिखना शुरू किया तो 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, आप ऐसे ऐसे सो ऑन करते जाएंगे। अब आप देखेंगे ऐसे कौन से नंबर हैं जो आपके मल्टीपल्स हैं, जो आपके 3 में भी आए और 6 में भी आए। तो आपने देखा तो देखा 6 इसमें भी आया है और 6 इसका मल्टीपल्स भी है। फिर आपने चेक किया आपका 12 मल्टीपल्स आपका किसका है, इसमें भी मल्टीपल्स है, इसका भी है। उसके बाद 18 3 का मल्टीपल्स भी है और 6 का मल्टीपल्स भी है। उसके बाद में आपका 24 आपका जो है दोनों में आता है। तो इस तरह से ये क्या हो गए, 6, 12, 18, 24, ये हो गए कॉमन मल्टीपल्स। ओके, उसके बाद चलिए मैं कुछ और सिखाती हूँ आपको। अब ये है कॉमन फैक्टर्स, ये देखिए। उसके बाद प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, एंड देन द नंबर इज सेड टू बी अ प्राइम नंबर। आपके प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक वो खुद और एक दूसरा नंबर। जैसे कि आपके 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि अपने ही टेबल से कटते 2, 1 या 2 और आपका किसी और टेबल में नहीं आता है, या बन के में आता है। 3 आपका 3 अपने आप से कटता है सिर्फ। और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, अ नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। जिन नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, जैसे 9 है आपका, तो 9 आपका 3 की टेबल में भी आता है और 9 आपका अपने 9 की टेबल में भी आता है। यानी कि इसके कितने हैं, 2 हैं फैक्टर्स के, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। उसके बाद में को प्राइम नंबर्स, 2 नंबर्स आर सेट टू बी अ को प्राइम नंबर इफ दे हैव ओनली 1 इज देयर इज कॉमन फैक्टर। यानी कि जैसे कि आपका 18 एंड 25 है, 18 एंड 25 फैक्टर है आपको, क्या क्या है 18 25 के, 18 जो है 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 6, 7, 9, 18 इनकी टेबल में आता है 18। और 25 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1, 5, 25। तो वी कैन सी 18 एंड 25 हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर, 1। तो क्या इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1। बाकी इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है, इन दोनों में कोई कॉमन चीज़ दिख रही है आपको, नहीं दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब 1 इसका सिर्फ अपने आप में, यानी कि 18 25 के अलावा इसका 1 इसका जो है को प्राइम है। ओके, तो चलिए इसी बेस पे एक्सरसाइज शुरू करते हैं। आपके एक्सरसाइज 4 है, ठीक है। एक्सरसाइज 4 में आपका दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। तो बच्चों निकाल लीजिए एक्सरसाइज 4 है।
देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद द नेक्स्ट फाइव मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर्स. आपके सामने नंबर्स दिए हुए हैं, आपको उनके फाइव मल्टीपल्स लिखने हैं. आप कॉपी में कैसे लिखेंगे वो भी आपको बताती हूँ मैं. देखिए पहला है आपका थ्री का मल्टीपल आपको करने हैं. थ्री के नेक्स्ट फाइव मल्टीपल क्या होंगे, सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन एटीन. आप सभी को थ्री का टेबल से आता है तो ये आपके नेक्स्ट जो होते हैं फाइव मल्टीपल्स हो गए. ट्वेल्व के मल्टीपल फाइव क्या होंगे, 24, 36, 48, 60 एंड 72. देखिए एक दो तीन चार पाँच, आपके पांच ब्लैंक्स बने हुए हैं. तो इसी प्रकार से ये पांच आपके इसके मल्टीपल्स हो गए. ऑल राइट, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर टू है आपका. क्वेश्चन नंबर टू में फाइंड टू कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग. आपके सामने 6 एंड 15 नंबर्स दिए हुए हैं, आपको इन दोनों के कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं. कैसे निकालेंगे आप ये बहुत ध्यान से देखिएगा. देखिए आपने 6 लिखा और 15 लिखा, 6 के मल्टीपल्स लिख दिए 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 एंड 60. यहाँ तक लिख लिया आपने, आप चाहो तो आगे तक भी लिख सकते हो. 15 के मल्टीपल्स लिखे हमने 15, 30, 45, 60. ठीक है, अब इन दोनों में ऐसा कौन सा कॉमन नंबर है जो इसमें भी आया हो और इसमें भी आया हो. तो आप देख रहे हैं 30 हमारा 6 के टेबल में भी आता है और 15 हमारा जो है 30 जो इसमें है 15 के टेबल में भी आता है. तो हमने 30 पे सर्कल कर दिया और 60 हमारा देखिए इसमें भी आता है और 60 हमारा इसमें भी आता है. तो आप फिर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द 6 एंड 15 आर 30 एंड 60. ऑल राइट, इस तरह समझ में आ गया आपको. उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री है आपका. क्वेश्चन नंबर थ्री है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. यानी कि आपको ये नंबर दिए हुए हैं, इनके सारे फैक्टर्स लिखने हैं. फैक्टर्स का मतलब कि 48 आपका किस किस से कैंसिल होता है या किस किस के टेबल में आता है, आपको सारे के सारे उसके फैक्टर्स लिखने हैं. तो आप कैसे लिखेंगे इसके, आप लिखेंगे देखिए. देखिए आपके 48 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे, 48 कौन से टेबल में आता है, 1 के टेबल में सब कुछ आते हैं. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 and 48 itself. ओके, तो ये हमारे 48 क्या हो गए, ये 48 के हमारे फैक्टर्स हो गए. ये मल्टीपल्स नहीं, ये फैक्टर्स है. यानी कि 48 आपका इन सब के टेबल्स में आता है. ऑल राइट, समझ में आ गया. इसके बाद जो भी और क्वेश्चंस बच रहे हैं इसके, देखिए 48 के बाद मैंने करवा दिया 36, 125. ये आप इनके सबके ये आप कर लीजिएगा ए बी सी डी. सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ वाला और कर लीजिए. फोर्थ वाला लिखा है क्वेश्चन आपका फाइंड द कॉमन फैक्टर्स. क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं आपको. कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर, आपको 14 एंड 30 के बीच के आपको कॉमन फैक्टर निकालना है. तो कॉमन फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे आप, देखिए 14 एंड 30 के आपके मल्टीपल आपके फैक्टर्स कौन कौन से हैं. 14 किस किस के टेबल में आता है, 1, 2 के टेबल में आता है, 7 एंड 40. ठीक है, इन दोनों के टेबल में आता है. 30 किस किस के टेबल में आता है, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. ये सारे के सारे टेबल्स में आपका 30 आता है. अब ऐसा कौन से नंबर्स है जो इसमें भी आते हैं और इसमें भी कॉमन होते हैं. देखिए आपका दिख रहा है 1 इसमें भी आएगा, 1 इसमें भी आता है. फिर 2 इसमें 14 में टेबल में आएगा और इसमें भी आएगा. और इसके अलावा कोई और नंबर आपको दिख रहा है बताइए, और कोई नंबर नहीं है. तो इसलिए हमारा क्या होगा कॉमन फैक्टर, इसके क्या हो गए कॉमन आपके फैक्टर्स हो गए. कॉमन फैक्टर्स आर 1 एंड 2. ओके, तो बच्चों आज की क्लास में बस हम इतना ही करेंगे. आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 मैंने आपको 4 तक करवा दिया. 4 तक के सारे जितने क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही हैं, आप इनको और अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा. मैं जैसा भी आपको समझाया उस तरह से आप कर लीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं. तब तक के लिए बाय बाय.